सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोस ऑन सिविल सर्विसेज। आज हम एक ऐसे ब्रेव आईपीएस ऑफिसर की बात करेंगे जिन्होंने अपने करियर में 50 से भी ज्यादा इनकाउंटर किए हैं और उनके ऊपर वेब सीरीज भी बन चुकी है। उनका कहना है कि टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, अगर कुछ होता है तो वो है जोश। अगर आप में जोश है काम करने का तो टैलेंट आपके पीछे चल के आएगा। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर नवनीत सिकेरा की। नवनीत सिकेरा का जन्म 22 अक्टूबर 1971 में उत्तर प्रदेश के ईटा में एक गरीब किसान के घर में हुआ। उनके पिता पहले से एक किसान थे और नवनीत सिकेरा की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में हुई, जहां बैठने को ना कोई बेंच थी और ना कोई टेबल। नवनीत सिकेरा बाकी बच्चों की तरह ही वहां जमीन पर बैठ के पढ़ा करते थे। उन्होंने 12वीं तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की और 12वीं के बाद वो बीएससी करना चाहते थे, पर उनके टाउन में बीएससी की कोई भी कॉलेज नहीं थी, जिस कारण उन्हें दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने जाना पड़ा। पर जब वो एडमिशन का फॉर्म लेने गए तो कॉलेज के एक स्टाफ ने उनके अपीयरेंस के वजह से उनकी बहुत बेइज्जती कर दी और कहा तुम कॉलेज से निकल जाओ। यह सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गया। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी पर वो डिमोटिवेटेड नहीं हुए। वे आगे पढ़ाई करना चाहते थे, तब उन्होंने खुद से कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, और इसी बीच उन्हें आईआईटी के बारे में मालूम चला। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको ऐसे ही ऑनेस्ट और ब्रेव आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। उन्होंने आईआईटी रुड़की के लिए कड़ी मेहनत की और इंटरेस्ट निकाला, फिर उनका एडमिशन आईआईटी रुड़की में हुआ। नवनीत सिकेरा ने आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन होने के बाद मास्टर्स के लिए वो आईआईटी दिल्ली चले गए। नवनीत सिकेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे और वो आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई कर रहे थे, पर इसी बीच उन्हें और उनके पिता को कुछ काम से पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। पर वहां एक पुलिस वाले ने उनकी मदद करना तो दूर उनके और उनके पिता की बेइज्जती कर दी और पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। इससे नवनीत सिकेरा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी आईआईटी दिल्ली की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और ठाना कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे और एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। वो अपने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं और 1996 में उनका ज्वाइनिंग आईपीएस में होता है। पर आईपीएस बनने के बाद उन्होंने उस पुलिस वाले से कभी बदला नहीं लिया, क्योंकि उनके पिता का कहना था कि बेटा तुम्हारे वजह से किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। और अपने पिता की बात मानते हुए नवनीत सिकेरा ने उस पुलिस वाले से कभी बदला नहीं लिया। नवनीत सिकेरा के करियर का हाई टाइम तब आया जब उन्हें 2003 में मुजफ्फरनगर का एसएसपी बनाया गया। उस टाइम मुजफ्फरनगर में बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी, वहां के डॉन पुलिस को अपने इलाके में घुसने तक नहीं देते थे। पर जब नवनीत सिकेरा को मुजफ्फरनगर का एसएसपी बनाया गया तो उन्होंने वहां बहुत सारे क्रिमिनल्स का इनकाउंटर किया, जिससे वहां का क्राइम रेट बहुत कम हो गया। और इस पर भौकाल नाम के एक वेब सीरीज भी बन चुकी है और उस वेब सीरीज में नवनीत सिकेरा के लाइफ के बारे में बताया गया है, जब वो मुजफ्फरनगर के एसएसपी थे और एसएसपी रहते हुए उन्होंने कैसे क्रिमिनल्स का इनकाउंटर किया। और अगर आपको ये वेब सीरीज देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ये वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर में फ्रीली अवेलेबल है। उन्होंने अपने करियर में 50 से भी ज्यादा इनकाउंटर किए हैं और डॉन रमेश कालिया का भी इनकाउंटर उन्होंने ही किया है। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्यूस्ड सर्विस, चीफ मिनिस्टर अवार्ड फॉर इनोवेशन। नवनीत सिकेरा के वाइफ का नाम डॉक्टर पूजा ठाकुर सिकेरा है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, और इनकी एक बेटी जिसका नाम आर्या सिकेरा और एक बेटा जिसका नाम दिव्यांश सिकेरा है। नवनीत सिकेरा का कहना है कि सक्सेसफुल होने के लिए पहले आपको फेल होना पड़ेगा, और फेल होना ऑप्शन है पर गिव अप करना ऑप्शन नहीं है, और आप तब तक कोशिश करते रहिए जब तक आप सफल ना हो जाएं, क्योंकि दोज हु गिव अप नेवर ग्रो अप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम आईपीएस अमित लोधा और आईएएस सगयाम पर भी वीडियो लाने वाले हैं। धन्यवाद।